भारतीय मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार में भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। मौसम एजेंसी ने अपने पूर्वानुमान में अगले 5 दिनों के दौरान तमिलनाडु में और अगले 2 दिनों के दौरान कर्नाटक और तेलंगाना में भारी बारिश जारी रहने की संभावना जताई है। दरअसल अक्टूबर महीने में हो रही बारिश से हर कोई हैरान है। अगर आप सोच रहे हैं कि मॉनसून के कारण ऐसी बारिश हो रही है तो आप गलत हैं। इसका कुछ और कारण है। दिल्ली में अभी जो बारिश हो रही है उसका कारण मॉनसून नहीं है। इस साल 516.9 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी। इसके बाद 19 सितंबर को मॉनसून वापस लौट चुका था। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि किस कारण से भारी बारिश हो रही है। दरअसल एक रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर भारत के कई हिस्सों में बारिश देखने को मिल रही है। यह विक्षोभ मध्य और ऊपरी क्षोभ मंडल स्तरों में से एक ट्रफ के रूप में बन चुका है। ट्रफ रेखा 64 डिग्री पूर्व में 25 डिग्री उत्तर में चलती है। एक चक्रवाती परिसंचरण दक्षिण हरियाणा और निचले क्षोभ मंडल स्तरों में स्थित है, जिसके चलते देश के उत्तरी हिस्से से मॉनसून वापसी कर चुका था। लेकिन बिहार में 12 अक्टूबर को भी मॉनसून सक्रिय रहेगा। इस बीच वापसी से पहले सोमवार को मॉनसून ने अच्छा रंग दिखाया और राजधानी में दोपहर झमाझम बारिश देखने को मिली। राज्य में अगले 48 घंटे तक मॉनसून सक्रिय रह सकता है और इस दौरान सभी जिलों में बारिश होने के आसार हैं। किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका में भारी और जबकि पटना, गया, नालंदा, जुमई सहित 20 जिलों में मध्यम बारिश होने का अनुमान लगाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।